यह कहानी 200 साल पहले की है। दो मुसाफिर एक साथ किसी मंजिल के लिए निकले। एक का नाम था लाभ सिंह और दूसरे का नाम था संतोष सिंह। दोनों एक साथ सफर कर रहे थे। दोनों में फर्क था स्वभाव का। जहां संतोष सिंह अपने नाम की तरह ही संतोषपूर्ण जीवन जीने वाला व्यक्ति था और लाभ सिंह स्वभाव से बहुत कंजूस और लालची किस्म का व्यक्ति था। दोनों कई दिनों से लगातार सफर कर रहे थे, लेकिन थकान और भूख से दोनों की हालत खराब हो गई थी। दोनों चलते चलते एक गांव तक आ पहुंचे। वहां उन्होंने एक गरीब साधारण सी बूढ़ी औरत के घर पर जाकर उसे आराम करने के लिए पूछा। बूढ़ी औरत स्वभाव से अच्छी थी। उसने दोनों को आराम करने के लिए जगह दे दी और उनकी हालत को देखकर उन्हें खाना भी खिला दिया। बूढ़ी औरत ने दोनों से काफी बातें की और बातों ही बातों में उसे पता चल गया कि दोनों एक बहुत लंबे सफर के लिए निकले हैं। अगले दिन जब दोनों मुसाफिर अपने सफर के लिए जाने लगे, तब उस बूढ़ी औरत ने दोनों को सफर में खाने के लिए रोटियां बांध कर दी। बूढ़ी औरत ने संतोष सिंह को 3 रोटियां बांधी और लाभ सिंह को 2 रोटियां बांधी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके साथ की गई बातों से वह दोनों के स्वभाव को अच्छे से जान चुकी थी। दोनों अपने सफर में आगे बढ़े, तब लाभ सिंह संतोष सिंह से बोला, देखो उस बूढ़ी औरत ने मेरे साथ कैसा पक्षपात किया। उसने तुम्हें 3 रोटियां और मुझे सिर्फ 2 ही रोटियां दी है। संतोष सिंह ने उसे समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं दोस्त, ये 5 रोटियां हम दोनों के लिए काफी है। शायद हम इतनी खा भी नहीं पाएंगे। अगर तुम्हें लगेगा कि तुम्हें और चाहिए तो हम मेरी 3री रोटी को आधी बांटकर खा लेंगे। दोनों ने अपना सफर जारी रखा। अगले दिन वो एक जंगल के पास तालाब देखकर वहां आराम करने के लिए रुके और वहीं पर उन्होंने अपनी रोटियां खाकर पानी पीकर थोड़ा आराम करने का मन बनाया। उन दोनों ने अपनी रोटियां खानी शुरू ही की थी, तभी वहां एक और तीसरा मुसाफिर जिसका नाम आनंदलाल था आ गया। आनंदलाल ने दोनों से बोला, दोस्तों मैं बड़े लंबे सफर पर निकला हूँ और अब इस बड़े से जंगल में पूरे 40 घंटे से सफर कर रहा हूँ। यहाँ आसपास कोई घर नहीं है जिससे मैं खाने के लिए मदद मांग सकूँ। अगर आप लोग मुझे अपने साथ खाना खाने दे तो मैं उसका मोल जरूर चुका दूंगा। लाभ सिंह तो चुप था, लेकिन संतोष सिंह उससे बोला, कोई बात नहीं, आओ तुम भी हमारे साथ खा लो। हमारे पास कुल 5 रोटियां हैं और इन 5 रोटियों में हम तीनों का पेट अच्छे से भर जाएगा। संतोष सिंह ने कहा ही था कि आनंदलाल तुरंत उनके साथ रोटियां खाने के लिए बैठ गया। संतोष सिंह ने सभी रोटियों को तोड़कर 3-3 हिस्से किए। इस तरह सभी 5 रोटियों के 15 हिस्से हो गए और सभी ने 5-5 बांटकर खा ली। जाते जाते आनंद ने दोनों को खूब धन्यवाद किया और 5 रुपये संतोष सिंह के हाथों में रख कर चला गया। आनंदलाल के जाने के बाद संतोष सिंह ने उन 5 रुपयों में से 3 रुपये खुद रखे और 2 रुपये लाभ सिंह को दिए। लाभ सिंह फिर से नाराज हो गया। उसने कहा, आनंदलाल ने यह पैसे उसकी मदद करने के लिए दिए थे, ना कि इसलिए कि हमने उसको रोटियां बेची थी। लाभ सिंह संतोष सिंह को बुरा भला कहने लगा। संतोष सिंह को पैसों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लाभ सिंह की बातें सुनकर उसे भी गुस्सा आ गया। दोनों ने तय किया कि पास वाले गांव में किसी समझदार आदमी से इसका फैसला करवाया जाए। दोनों ने नजदीक के एक गांव पहुंचे। वहां पर गांव के सबसे समझदार आदमी के बारे में पूछने पर सभी ने वहां सरपंच का नाम लिया। दोनों सरपंच के पास पहुंच गए। सरपंच ने दोनों की बातें सुनी और परिस्थिति को समझा और लाभ सिंह को कहा, तुम्हें जितने रुपये मिलने चाहिए थे उससे ज्यादा मिले हैं, इसलिए तुम 1 रुपये संतोष सिंह को दे दो। लाभ सिंह चौंक गया। उसने सोचा कहां वो ज्यादा रुपये पाने के सपने देख रहा था। तभी सरपंच ने उसे 1 और रुपया संतोष सिंह को देने के लिए कह दिया। उसने जब ऐसा करने का कारण पूछा तो सरपंच ने समझाते हुए कहा, देखो संतोष सिंह के पास 3 रोटियां थी जिसके 9 टुकड़े किए गए और तुम्हारे पास 2 रोटियां थी जिसके 6 टुकड़े किए गए। तुमने अपने 6 टुकड़ों में से खुद 5 टुकड़े खा गए और बचा हुआ 1 टुकड़ा ही तुमने आनंदलाल को दिया, यानी कि आनंदलाल को बाकी 4 टुकड़े संतोष सिंह ने दिए थे। अगर हम 1 टुकड़े के लिए 1 रुपये पकड़े तो तुम्हें सिर्फ 1 रुपये ही मिलनी चाहिए, इसलिए तुम 1 रुपये संतोष सिंह को दे दो। अगर तुम रोटी बेचकर पैसा कमाते तब भी तुम्हें 1 रुपये ही मिलने चाहिए था, और अगर तुम्हें मदद करके पैसे मिले हैं तब भी तुम्हारी मदद संतोष सिंह की मदद से कम है, इसलिए दोनों ही सूरतों में तुम्हें सिर्फ 1 रुपये ही मिल पाएगा। लाभ सिंह को सरपंच की बात माननी पड़ी। सरपंच की समझदारी और सूझबूझ देखकर उसके गांव वाले और संतोष सिंह ने उसकी खूब वाहवाही की। लाभ सिंह को अपने लालच की कीमत चुकानी पड़ी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें कई सबक देती है। पहला सबक, हमें जितना मिलता है उसमें संतोष करना चाहिए। दूसरा सबक, लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। तीसरा सबक,
हम हर परेशानी को समझदारी, सूझबूझ और अलग नजरिए से हल कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके बताएं। और भी ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।